कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। मेरा नाम है सुनीता बंसी पवार। हम रहते इधर शिवसाई मंदिर के इधर, साधु बिला के इधर, गिरधारी चौल के इधर। तो ये रंजीत ठाकुर है और इसकी मम्मी भी है उषा सिंह ठाकुर। बॉस हमको बहुत दिनों से परेशान कर रहे हैं, उसके वजह से हमने रूम भी खाली कर दिया पर इधर भी हमको चैन से जीने नहीं दे रहे। इसके बेटे बार बार लड़के लेके घर तक आ जाता है, आज भी पूरे घर में घुस गए तो बच के हम लोग थोड़े में गेट बंद किया, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। कितने लड़के आए थे और आपके साथ उनकी कोई पुरानी दुश्मनी है? पुरानी दुश्मनी नहीं है, बस खुद ही वो लोग दुश्मनी करते रहते हैं हमसे। हम उसका कुछ नहीं करते लेकिन वो लोग हमको बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहे हैं। आज क्या घटना हुई? आज घटना हुई है कि बस बच्चा बाहर जा रहा था तो जोर जोर से वो लोग आ रहे थे, तलवार और ये सब बजाते बजाते। तो छोटा बच्चा चिल्ला के आया तो मैं बाहर निकली तो एकदम सामने से आई, फटाफट मैंने गेट बंद किया, नहीं तो दो मिनट में एक सेकंड में घर में घुस जाते। कौन था? रंजीत सिंह ठाकुर और उसके साथ 6-7 जन थे, सबके हाथ में कुछ ना कुछ था, रॉड था, सब था। पुलिस प्रशासन से क्या मांग करेंगे? वही बाबा कि हमको बस, हम लोग लेडीज ही घर में सिर्फ 3 जन रहते हैं, कि हमको चैन से जीने दे और इन लोग को देखे अच्छे से। पता नहीं अभी सर, देखिए हम लोग तो पूरा दिन, मेरी बेटियां काम पे जाती है, मैं पूरा दिन गेट बंद करके अंदर रहती हूँ। जहाँ पे रहते थे वहाँ पे भी तकलीफ देते थे, अब वहाँ से खाली किया, यहाँ पे भी बहुत दिन से तकलीफ दे रही है। झूठा झूठा नाम ले लेती है, पुलिस स्टेशन में मेरा नाम डाल के आती है। पहले बार वही वो कुत्ते को लेके बार बार हमको तंग करती है, कुछ भी हुआ तो बस हमारा यही करती है, क्योंकि छोटा उसके पास एक कुत्ता है, बार बार दरवाजे में उसको सुसु कराती है। इस वजह से हमने दरवाजे में कैमरे भी लगाए, पर आप जिन लोगों को इसकी शिकायत पुलिस में की है? पुलिस में मैंने बहुत बार की, जो उसका बेटा गुंगा है ना शिवजीत सिंह ठाकुर, वो भी हमको बहुत परेशान करता था। तो पुलिस वाले बोलते थे जाने दो वो गुंगा है, मर्डर करके वो अंदर गया है। जो दादर पे मर्डर हुआ था ना, दादर पे बैग के अंदर कुछ निकला था लाश वाश, तो वो उसी ने किया था और हमको उसी की धमकी देता है, बोलता है तुम्हारे साथ ये करूंगा वो करूंगा, और हम लोग के साथ जेंट्स लोग नहीं रहते। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें।